वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो पालक पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में अपनी रेसिपी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने पालक लिया है, उसकी जो डंडियाँ होती है वो मैंने तोड़ ली हैं, पत्ते मैंने यूज़ करने हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले पानी बॉइल किया है और अब मैं पालक को पानी में डालूँगी। मैं इसे 2-3 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। ज़्यादा एक्सेस में आपको इसको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपको इसको बॉईल करना है। अब मेरे 2-3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे डालूंगी बिल्कुल ठंडे पानी में, जिससे क्या होगा हमारा जो पालक का कलर है वो निकलेगा नहीं। अब मैंने पालक को ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं पालक की प्योरी तैयार कर लेती हूँ। देखिए प्योरी बन के तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने लिया है पनीर, उसे मैंने क्यूब की शेप में काट लिया है। अब मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसको गरम कर लिया है और अब मैं उसमें डालूंगी 1 दालचीनी का टुकड़ा, तेजपत्ता और साथ ही साथ मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जीरा के बाद डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज, अब इसे हल्का सा भून लेते हैं प्याज को। इसका कलर जब तक सुनहरा ना हो जाए तब तक इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी मिर्ची, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब इसके बाद फ्लेम को कर लेंगे लो और अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। हमारे मसाले अब पक चुके हैं, अब इसमें मैं डालूंगी अपने पनीर के क्यूब्स। इससे क्या होगा हमारा पनीर जो है वो फ्राई हो जाएगा, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, आप इसकी जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। अब पनीर हल्का फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी पालक की प्योरे। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, जिससे इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाए। देखिए ये पकने शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून। क्योंकि हमारा जो पालक है वो अभी कच्चा है, तो जब तक इसका ऑयल हमारा साइड्स में ना आ जाए, थोड़ा ऑयल हमें दिखने ना शुरू हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए हमारा जो पालक है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालिएगा, इससे क्या होगा आपका जो मसालों का फ्लेवर है वो कम हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ करोगे तो मसालों का फ्लेवर कम हो जाएगा, तो आप
थोड़ा सा डालिए। अब इसमें मैं डालूंगी फ्रेश क्रीम, आप इसमें होममेड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो लीजिए, मेरा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है, मैंने सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करना। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।